ओम नमः भगवते वासुदेवाय। मैं आचार्य आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ कि साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगेगा और किस समय लगेगा, गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन से भगवान की पूजा करने से आपको मनचाहे मुरादें मिल सकती हैं, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है और किस प्रकार से आपको जीवन में सफलता मिल सकता है, इसी के साथ गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से सावधानियां बरतनी होंगी और यह सूर्य ग्रहण आपके इलाके में, आपके राज्य, आपके जिले में कब लगेगा, इसके बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी आपको समय से मिल सके। उससे पहले मित्रों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में, आपके जिले में कब लगेगा यह सूर्य ग्रहण, तो आप अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मित्रों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण का समय सारणी कब रहेगा और यह भारत में दिखेगा या नहीं, और भारत में इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं, और किस प्रकार से गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी भी है या नहीं रखनी है। तो मित्रों, वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो मित्रों, साल 2022 में दो सूर्य ग्रहण लग रहे हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण यह 30 अप्रैल को लग रहा है और मित्रों, यह 30 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण रहेगा। वहीं इस सूर्य ग्रहण में कोई भी सूतक काल मान्य नहीं होगा क्योंकि यह आंशिक सूर्य ग्रहण है, इसलिए मित्रों आप परेशान ना हो, इसमें सूतक काल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जिस भी सूर्य ग्रहण में सूतक काल लगते हैं तो सूर्य ग्रहण के लगने से 12 घंटे पहले ही उसका सूतक काल मान्य हो जाता है, परंतु यह आंशिक सूर्य ग्रहण है इसलिए इस सूर्य ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होगा। अब आपको बता दें कि भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा। वहीं इसके समय की बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन लोगों को सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। उन लोगों को चार दीवारी में रहने की जरूरत होती है। सूर्य का कोई भी भाग, सूर्य का किरणें उन लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वहीं चाकू, कैंची, सुई, नुकीली चीजों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, खासकर सूर्य ग्रहण के दौरान। वहीं मित्रों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सूर्य ग्रहण लगने के बाद आप गंगा स्नान जरूर कर लें, गंगा जल से स्नान जरूर कर लें और घर में भी गंगा जल का छिड़काव जरूर कर दें। इसी के साथ सूर्य ग्रहण का प्रभाव हर किसी के जीवन में जरूर पड़ता है। ऐसे में माना जाता है कि ग्रहण लगने से सूर्य पीड़ित हो जाते हैं और शुभ फलों में कमी आ जाती है। तो मित्रों, अब आपको बताते हैं ये सूर्य ग्रहण का सही समय, सूतक काल कौन सा रहेगा। तो मित्रों, 30 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण यह भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई नहीं देगा। यह ग्रहण दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी भाग, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका और अंटार्कटिका में दिखाई देने वाला है। इस सूर्य ग्रहण का सही समय मध्यरात्रि 12:15 से प्रारंभ होगा, जो कि सुबह के 4